वेलकम टू माय चैनल। और आज हम एंगल बिटवीन टू प्लेन्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे लास्ट पार्ट में सबसे पहले तो क्या करना है, सबसे पहले तो दो प्लेन मान लिए, प्लेन की मतलब इक्वेशन किस तरीके से, जैसे आर वेक्टर डॉट एन वन वेक्टर, और किसके बराबर था, जैसे सबसे पहले पी वन हो सकता है या फिर क्यू वन लिखो यहाँ पर, क्यों, क्योंकि जब ये एन वन कैप हो जाएगा मतलब कुछ इस तरीके से तब होगा P1, ठीक है। ये बात पहले डिस्कस हो चुकी है, ठीक है। और दूसरी इक्वेशन कुछ इस तरीके से माननी थी, R वेक्टर डॉट N2 वेक्टर और किसके बराबर, Q2 के, सही बात है। तो एंगल बिटवीन टू प्लेन्स का मतलब था उनकी डायरेक्शन, और डायरेक्शन कौन देंगे, N1 और N2। और जैसे लास्ट पार्ट में फॉर्मूला डिराइव हुआ था कुछ इस तरीके से, cos थीटा किसके बराबर होगा, N1 डॉट N2 कुछ इस तरीके से, और डिवाइड में इन्हीं दोनों का मैग्नीट्यूड आएगा, इन्हीं दोनों वेक्टरों का मैग्नीट्यूड, तो ये फॉर्मूला रहेगा, ठीक है ना, इस तरीके से। और ये कब है, जब वेक्टर फॉर्म हो, जब वेक्टर फॉर्म की बात हो, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कार्टेशियन फॉर्म की, ठीक है ना। तो कार्टेशियन फॉर्म में, कार्टेशियन का मतलब क्या था, सीधी सी बात है, जब पॉइंट आ जाए, इस चीज का मतलब, जैसे आर वेक्टर मतलब पॉइंट का मतलब, आर वेक्टर बनेगा पॉइंट से, इस तरीके से, सही बात है। और किसी पॉइंट से वेक्टर लिखने का तरीका क्या था, मतलब पी पॉइंट के लिए, जनरल पॉइंट के केस में होता है आर वेक्टर, ठीक है। और किसी पॉइंट से वेक्टर लिखने का तरीका, ये तो सिर्फ डिस्टेंस है या फिर कौन नंबर है, सही बात है। और इनकी रिस्पेक्टिव मल्टीप्लाई आई कैप, जे कैप और के कैप के साथ सभी को ऐड करना था, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो अब कार्टेशियन फॉर्म में क्या करें, लेट, ठीक है ना। अब जैसे प्लेन की इक्वेशन, ये तो वेक्टर फॉर्म में, अब कार्टेशियन फॉर्म में लेट कर ली दो प्लेन की इक्वेशन कुछ इस तरीके से। जैसे प्लेन की इक्वेशन इस तरीके से लिखते हैं, ये एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड डी के बराबर, तो यही तो है कार्टेशियन फॉर्म, सही बात है। यहां पर पॉइंट किसे बनेगा, एक्स वाई जेड से, तो ये बातें हमें पता होनी चाहिए। और जो ये एबीसी है, जो ये एबीसी है, ये डायरेक्शन रेशो, इस चीज का हमें पता होना चाहिए, किसके डायरेक्शन रेशो है, किसी लाइन के, और उस लाइन की खास बात, वो प्लेन के परपेंडिकुलर होनी चाहिए, ठीक है। ये बातें पहले डिस्कस हो चुकी है, बस इस सीधी सी बात ही नहीं से बनता है एन वेक्टर, जो यहां पर जैसे एन वन मतलब दो के केस में एन वन एन टू लिए, या फिर जैसे सिर्फ एक के केस में एन वेक्टर, तो एन वेक्टर पता है किससे बनेगा, इससे, क्यों, क्योंकि डायरेक्शन रेशो का दूसरा नाम होता है कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट, सही बात है। और किसी पॉइंट से वेक्टर लिखने का तरीका, बस ये तो नंबर है, एज इट इज लिख दो, और इनकी रिस्पेक्टिव मल्टीप्लाई आई कैप जे कैप के कैप के साथ सभी को ऐड करना है, सही बात है। तो अब जैसे दो प्लेन की इक्वेशन मान ली किस तरीके से, ये तो जब एक प्लेन हो, अब दो की, तो ए वन बी वन इस तरीके से, ए वन एक्स फिर बी वन वाई फिर सी वन जेड किसके बराबर, डी के बराबर, मतलब इसी को रीअरेंज किया हुआ और कुछ नहीं, मतलब एन वन है ना इस तरीके से, और कुछ नहीं, ठीक है। इसी तरीके से दूसरी के लिए मान लिया, जैसे यहां पर D1 मान लिया, ठीक है, A2X फिर B2Y फिर C2Z, कब, जब D2 मतलब सेकंड प्लेन के लिए, बस इस फॉर्मूले में पुट कर दो, वो चॉइस है, पहले यहां पर पुट करना चाहते हो फिर ये फॉर्मूला डिराइव करना चाहते हो, वो चॉइस रहेगी, ठीक है। तो अगर डायरेक्ट cos थीटा फॉर्मूला लिखें किसके बराबर होगा, जैसे यहां से बना N1 वेक्टर, सही बात है, यहां से बन जाएगा N2 वेक्टर, मतलब किससे, मतलब है इन A2 B2 C2 से, ठीक है। तो किस तरीके से, A2 I कैप फिर B2 J कैप और C2 K कैप, सही बात है। दो वेक्टरों की डॉट प्रोडक्ट, और डॉट प्रोडक्ट करने का डायरेक्ट तरीका क्या बताया था, आई कैप वालों की आई कैप वालों के साथ मल्टीप्लाई, सही बात है। ये सारी चीजें सीख सकते हो डॉट प्रोडक्ट के कंसेप्ट से, वेक्टर चैप्टर में थी, सही बात है। डॉट प्रोडक्ट, इसी का नाम होता है स्केलर प्रोडक्ट, सही बात है। क्यों होता है स्केलर प्रोडक्ट, क्योंकि इसका रिजल्ट एक स्केलर आएगा, मतलब एक नंबर आएगा, सही बात है। सिंपल ट्रिग्नोमेट्री का रिजल्ट भी तो एक नंबर आता है, सही बात है। तो वही चीज है, मतलब ऊपर भी नंबर, सही बात है, नीचे मैग्नीट्यूड भी एक नंबर आता है, ये भी नंबर, नंबर डिवाइड बाई नंबर, लेफ्ट हैंड साइड में नंबर, इस तरीके से डिफाइन कर सकते हो इस चीज को, वो चॉइस है, ठीक है। तो बस यहाँ पर आई कैप वालों की आई कैप वालों के साथ मल्टीप्लाई, तो A1 A2 फिर प्लस का साइन फॉर्मूले की वजह से, जे कैप वालों की आपस में मल्टीप्लाई होगी, मतलब ये दोनों वैल्यू यहाँ पर पुट की हुई है और कुछ नहीं, ठीक है। ये चीजें पहले डिस्कस हो चुके हैं, डायरेक्ट रिजल्ट अप्लाई करिए, फिर के कैप वालों की आपस में मल्टीप्लाई थी, सही बात है। और डिवाइड में N1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, किसी वेक्टर से मैग्नीट्यूड निकालने का क्या तरीका बताया था, स्क्वेयर रूट के अंदर, ठीक है, जो जो ये कोफिशियंट है आई कैप जे कैप के कैप के, सभी का कर दो स्क्वेयर, मतलब ऑल स्क्वेयर करना है, मतलब कभी मान लो यहां पर माइनस का हो तो उसका भी ऑल स्क्वेयर, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए ऑल स्क्वेयर करना सभी का,
इस तरीके से लिख दो, सभी को ऐड करना है। तो ये है पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बस यहां पर सभी का होल स्क्वायर करो सबसे पहले, ठीक है, और फिर सभी को ऐड करना। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला रहेगा कब, जब कार्टेशियन फॉर्म दी हुई है, ठीक है। वो तो इसे एक तो डायरेक्ट यहां से डिफाइन कर सकते हैं उस फॉर्मूले को, या फिर दूसरा तरीका क्या है, यहां से मतलब यहां से पहले N1 N2 चोइस है, मतलब डायरेक्ट कैलकुलेशन और कुछ नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से फॉर्मूला आ जाएगा, सही बात है। और याद हो यही फॉर्मूला था किसका, जब एंगल बिटवीन, ठीक है ना, टू लाइन्स, सही बात है, एंगल बिटवीन टू लाइन्स का भी यही फॉर्मूला था, सही बात है। अब N1 N2 भी तो दो लाइन है, सोचना बस यहां पर, ठीक है। तो जो लाइन का कंसेप्ट है ना, एज इट इज प्लेन का कंसेप्ट होगा, सीधी सी बात है, ठीक है। हमें उनकी डायरेक्शन रेशो से मतलब रहेगा प्लेन की, ठीक है। और जैसे मान लो दो लाइन है कुछ इस तरीके से, उनका ये एंगल मतलब थीटा निकालना है, वैसे हम लेफ्ट हैंड साइड कोस थीटा लेके चलेंगे, यहां पर एंगल का मतलब है थीटा निकालना, ठीक है। तो बाद में थीटा निकल आएगा, दोनों साइड कोस इनवर्स से मल्टीप्लाई, और कोस इनवर्स से मल्टीप्लाई परी मल्टीप्लाई करनी है कुछ इस तरीके से प्री मल्टीप्लाई, प्री का मतलब पहले, सही बात, जैसे प्रीपेड होता है पोस्ट पेड, प्री का मतलब पहले, ठीक है, पोस्ट बाद में, ठीक है। तो यहां पर इस तरीके से मल्टीप्लाई करनी है, और जैसे इनवर्स जब मैट्रिक्स में ये बात सीखी थी, ए डॉट मतलब ए मैट्रिक्स और उसके इनवर्स की मल्टीप्लाई आइडेंटिटी होती है, सही बात है। तो यहां पर भी सेम बात हुई है इस तरीके से, ठीक है। और आइडेंटिटी इनटू समथिंग, जैसे एक ये प्रॉपर्टी अप्लाई हुई है कि जो भी साथ में मल्टीपल हो उस वही रिजल्ट आ जाएगा, तो यहां पर थीटा आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से निकाला हुआ, ठीक है। और यहां पर कहने का मतलब पता है क्या है, कि यहां पर ये पहले मतलब प्री मल्टीप्लाई क्यों करनी है, ये बात पता होनी चाहिए यहां पर प्री मल्टीप्लाई क्यों करनी है, ठीक है ना, क्यों। अब एक बात बताओ, यहां पर जैसे लेफ्ट हैंड साइड में कोस थीटा लिखा हुआ है, ये नहीं है कि जैसे कोस थीटा लिखा हुआ है लेफ्ट हैंड साइड में कि मतलब यहां पर कोस की एक पावर है ये नीचे चला जाएगा कुछ इस तरीके से, और ये नीचे पावर एक जैसे 1/x लिखा हो, इसको क्या लिख सकते हो, नीचे पावर प्लस की ऊपर उल्टी हो जाएगी, मतलब नीचे प्लस की है तो ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगी, सही बात है। ऊपर मान लो x की पावर 1 लिखा हुआ है, तो इसी को क्या लिख सकते हो, 1/x की पावर, इस तरीके से, सही बात। ऊपर प्लस मतलब ऊपर से नीचे लेके आओगे मतलब साइन उल्टा हो जाएंगे, प्लस का नेगेटिव, नेगेटिव का प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से, ठीक है ना, तो बस यहां पर इस चीज का कोई मतलब नहीं है, क्यों नहीं है, कोस जैसे सिंपल ट्रिग्नोमेट्री ये सिर्फ और सिर्फ इस तरीके से सिर्फ ऑपरेटर है, ये चीजें हमें पता होनी चाहिए। इनका तब तक कोई मतलब नहीं जब तक इनके साथ कोई फंक्शन अप्लाई ना हो, जैसे फंक्शन यहां पर एंगल होगा सिंपल ट्रिग्नोमेट्री के केस में, इसी तरीके से जब इनवर्स की बात करते हो, साइन इनवर्स कोस इनवर्स, इन चीजों का कोई मतलब नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटर है जब तक इनके साथ फंक्शन ना लिखा हो, इस तरीके से। और इनवर्स के केस में साथ में लिखा होता नंबर और पूरे का रिजल्ट आता है एंगल, ये बातें हमें पता होनी चाहिए। और सिंपल में उल्टा होता है, ठीक है, साथ में लिखा होता है एंगल, रिजल्ट आएगा एक नंबर, यहां पर उल्टा हुआ, ये चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो यहां पर इसलिए प्री मल्टीप्लाई करनी होती है, ना कि ये है कि मतलब ये यहां पर कोस की एक पावर है तो वहां पर इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, ये चीज गलत है, ठीक है। तो अब जैसे अब बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की, ठीक है ना, बिल्कुल एज इट इज कंसेप्ट है जो एंगल बिटवीन टू लाइंस का सीखा था कंसेप्ट, ठीक है, कोई चेंज नहीं है। हमें मतलब है सिर्फ और सिर्फ इस चीज से, डायरेक्शन रेशो से, दोनों प्लेनों की, वो दो प्लेन की भी हो सकती है, दो लाइन की भी हो सकती है, सही बात है। बस थोड़ा समझना, जैसे लाइन इस तरीके से एक्स प्लस बी वाई, इसको प्लेन बना लो, सही बात है, इस तरीके से, ये चीज पहले चीज समझ चुके, ठीक है। तो बस इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, वही कि सबसे पहला कि कंडीशन ऑफ, ठीक है ना, सबसे पहले परपेंडिकुलर की कंडीशन, ठीक है, मतलब परपेंडिकुलर इटी, ठीक है ना, तो इस तरीके से मतलब एंगल 90 डिग्री होगा, सीधी सी बात तो ये है, ठीक है। तो जैसे दो प्लेनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा, मतलब इस चीज का जैसे समझने के हिसाब से, जैसे इस तरीके समझ लो, एक प्लेन ये है, दूसरा प्लेन ये है, सही बात है, ठीक है ना, इस तरीके से इन दोनों बीच में एंगल कितना 90 डिग्री, सही बात है ना, इसी तरीके से परपेंडिकुलर होंगे। हमें मतलब उन प्लेन से नहीं है, उनकी जो उनके परपेंडिकुलर लाइन है, मतलब इस प्लेन के परपेंडिकुलर लाइन जैसे यहां पर हो जाएगी, सही बात है ना, जैसे इस ये प्लेन था, इसके इस प्लेन के परपेंडिकुलर, ये तो परपेंडिकुलर वेक्टर मतलब N1 वेक्टर है, ये दूसरा प्लेन है, मतलब यहां पर जो N1 वेक्टर दूसरा प्लेन पैरेलल हो जाएंगे। इसी तरीके से जो ये सेकेंड प्लेन है, जो ये सेकेंड प्लेन है और इसके जो परपेंडिकुलर है,
कुछ इस तरीके से। सही बात है, मतलब एन टू वैक्टर वो पहले प्लेन के परपेंडिकुलर हो जाए। बात वही है कि मतलब दोनों, मतलब जो प्लेन भी परपेंडिकुलर है, यहां पर प्लेन भी परपेंडिकुलर होंगे और जो ये इनकी डायरेक्शन है वो भी परपेंडिकुलर होंगे। बात वही है, इसलिए डायरेक्शन, इसलिए सेम एंगल रहेगा। हमें प्लेन, दो एंगलों के प्लेन के बीच में एंगल नहीं निकालना है, उनकी डायरेक्शन के बीच में, या फिर कहो एन वन और एन टू, जैसे इस तरीके से। तो थीटा 90, तो जैसे कोस 90 हो जाएगा। कोस 90 कितना होता है? 0। सही बात है, ये टेबल वैल्यू है, पहले भी सीख चुके हैं। या फिर जैसे यहां पर एक लाइन याद रखने के लिए कहा था कुछ इस तरीके से, 0 1/2, 1/√2 √3/2 1, किसकी लाइन होती है? साइन थीटा। इस तरीके से एंगल रहेंगे, 0 30 डिग्री 45 60 90। सही बात है, तो बस यहां पर कोस थीटा के केस में क्या करना है, इस लाइन का रिवर्स कर दो, मतलब 1 यहां पर 0 यहां पर, इसी तरीके से इन सभी को रीअरेंज कर दो, यहां पर इस तरीके से हो जाएगा। तो कोस 90 डिग्री, कोस 90 पर वैल्यू 0 है, तो इस तरीके से। सही बात है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में 0 आ जाएगा कार्टेशियन फॉर्म। तो इस तरीके से लिख सकते हो कि A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 किसके बराबर हो जाएगा? 0 के। जो नीचे डिवाइड में दो मैग्नीट्यूड थे वो 0 × something और 0 × something 0, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा, पहले भी डिस्कस हो चुका है ये फॉर्मूला। सही बात है, इसी तरीके से सेकंड केस रहेगा कि कंडीशन ऑफ किसकी, पैरेलल की, कि दो प्लेन पैरेलल हो, मतलब पैरेलल का मतलब थीटा कितना हो? 0 डिग्री, या फिर ये भी पॉसिबल है 180 डिग्री, ठीक है। तो बस जब, मतलब एक तरीके से हमें मतलब इस चीज से कि दो वेक्टर पैरेलल हैं। सही बात है, और दो वेक्टर पैरेलल होते हैं तब एक कंडीशन लिखी थी कि डायरेक्शन रेशो, ये लाइन याद रख लो और कुछ नहीं, डायरेक्शन रेशो के रेशो की, ठीक है ना, डायरेक्शन रेशो, जो रेशो है डायरेक्शन रेशो की रेशो बराबर होगी। बस मतलब पहली के A1 B1 C1 मान लो डायरेक्शन रेशो, दूसरी के A2 B2 C2 जैसे प्लेन में मानने थे, बस इनके रेशो बराबर होंगे, A1 / A2 B1 / B2 C1 / C2 किसके बराबर होंगे? किसी कांस्टेंट के। और ये कंडीशन कहां से आती है? जब दो वेक्टर पैरेलल होते हैं इस तरीके से, एक दूसरे के मल्टीपल होंगे। इस चीज को सिंपली डिफाइन करना हो ना, एक वेक्टर ये मान लो, दूसरा ये, वेक्टर का मतलब डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट बनेगी जब दो फिक्स्ड पॉइंट होंगे। सही बात है, तो दूसरा ये मान लो, पैरेलल क्या होते हैं कुछ इस तरीके से, मतलब इनफाइनाइट तक ये चीजें चलती रहें, कभी भी ना मिले, वो चीज होगी पैरेलल। सही बात है, ठीक है ना। और ये लैम्डा किसको रिप्रेजेंट करता है? इनके सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड को, ये चीजें पहले डिस्कस हो चुकी है। मतलब ये मैग्नीट्यूड बराबर भी हो सकते हैं, बराबर कब होंगे? जब लैम्डा 1 के बराबर हो जाएगा, ठीक है, और बराबर नहीं भी हो सकते, मतलब ये मैग्नीट्यूड ज्यादा भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से केस रहेंगे, ठीक है ना। बस कहने का मतलब क्या है, बस ये चीज पता होनी चाहिए, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, ठीक है, बस ये चीज याद रख लो, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, एंगल बिटवीन, ठीक है ना, टू लाइंस, ठीक है, या फिर एंगल बिटवीन, ठीक है ना, टू वेक्टर्स को, ठीक है, या फिर इन सभी को कह दो एंगल बिटवीन देयर डायरेक्शन। सीधी सी बात तो ये है, बस ये लाइन याद रख लो, ठीक है। मतलब जो लाइन का कंसेप्ट था ना, वही एज इट इज प्लेन का कंसेप्ट होगा। उन हमें मतलब है N1 और N2 से, मतलब जो प्लेन पर, प्लेन की, प्लेन पर कितनी लाइन हो, प्लेन बनेगा इनफाइनाइट लाइनों से। सही बात है, कोई भी पैटर्न हो सकता है, प्लेन की लाइनों से मतलब नहीं है, जो उनके परपेंडिकुलर लाइन है वो उनकी डायरेक्शन देंगी, ठीक है। तो इस तरीके से बस ये लाइन याद रख लो, ठीक है, और मतलब ये फॉर्मूले रहेंगे जो एंगल बिटवीन टू लाइन्स के फॉर्मूले थे, वही एज इट इज है, इस तरीके से, ठीक है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।